हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष एक बार फिर आपके चैनल मनीष कार्की के साथ। फ्रेंड्स, दो कविताएं लिखी हैं तो उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक फुर्सत और आखिरी मुलाकात। मुझे यकीन है आप इन दोनों कविताओं को बहुत पसंद करेंगे, तो मैं एक छोटा सा एक इंट्रो देना चाहूँगा। फुर्सत, कुछ फुर्सत से लम्हों में, फुर्सत से लिखी एक कविता है। बड़ी फुर्सत में बैठे हैं आज पुरानी यादों के साथ। खोजते हुए पुरानी एक डायरी मिल गई। बहुत सुकून मिला तस्वीर में मुस्कान देखकर, जो कहीं डायरी में रखी मिल गई। फुर्सत में रहती हैं जब भी यादें, गुजर जाती हैं सोचकर फिर रातें कई। काश कि हम अपना बचपन लौटा पाते, पलट दिए इस आस में जिंदगी के पन्ने कई। फुर्सत मिले तो चांद से पूछना, वो किसकी मोहब्बत थी। अगर फुर्सत मिले तो जवाब जरूर बताना, वो कौन सी मोहब्बत थी जो हम तुम्हें दे ना सके। दीवारों तुम ही कह दो कुछ, तुमको फुर्सत कहाँ। तुम याद कर लो इतनी हमारे इश्क में कसक कहाँ। तुम्हारे चाहने वालों का मेला है चारों तरफ, तुम्हें हम जैसे आवारा की ज़रूरत कहाँ। और लास्ट दो स्टंजा और पढ़ना चाहूँगा। कभी फुर्सत मिले तो सुनना मेरे इश्क का फसाना। इश्क की हर इंतहा से गुजरा है मेरा जमाना। गिरते टूटते खो गया है वजूद अपना, और कई टुकड़ों में टूटा है तुम्हें पाने का सपना। फुर्सत मिलेगी तो आएंगे ज़रूर तेरे इश्क के मैखाने में। फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर आएंगे तेरे इश्क के मैखाने में। आंखें भी बरसती हैं जहाँ दिल के पैमाने में। फिर ना कर देना शाम हमें आजमाने में। जमाने लगे हैं फिर से दिल को समझाने में। जमाने लगे हैं फिर से दिल को समझाने में। अब गर जरा सी फुर्सत मिले तो, अब गर जरा सी फुर्सत मिले तो हमारा कत्ल कर दो। यूं तड़प तड़प कर तेरे इश्क में जिया जाता नहीं। यूं तड़प तड़प कर तेरे इश्क में जिया जाता नहीं। और दूसरी कविता है आखिरी मुलाकात। ये एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच जब वो लास्ट मुलाकात होती है, तो क्या दोनों के दिल पे गुजर रही होती है और उसके बाद क्या होता है। कुछ उन्हीं लम्हों और उन्हीं यादों के साथ कुछ लफ्ज़ों का रूप देकर मैंने रचना की है। तुमसे वो आखिरी मुलाकात याद है, तुम्हारा वो आंसुओं का छुपाना याद है। तुमने तो आखिरी मुलाकात में कुछ भी ना कहा हमसे, पर हमें तुम्हारी प्यार में कही हर बात याद है। हम कभी रोकर मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा कर रोए, तुझे गले लगाकर हम जी भर कर रोए। जब हम आखिरी बार तुमसे मिले, जितना मिलकर मुस्कुराए उससे ज़्यादा बिछड़ कर रोए। अजीब सा प्यार था तुम्हारी उदास आँखों में, महसूस ना हुआ तुमसे आखिरी मुलाकात में। भूल जाने का मशवरा और खुश रहने की सलाह, ये तोहफे मिले तुमसे आखिरी मुलाकात में। और बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही अच्छी कविता है, आप सब जरूर सुनिएगा। दो और स्टंजा लास्ट में आपको सुनाना चाहूँगा और बहुत ही प्यारी है। मैं पूरी इस इंट्रो में सुना दूँ तो फिर कविता का मज़ा ही क्या। तो ज़रूर सुनिएगा आखिरी मुलाकात। इसकी लास्ट तो स्टंजा इस प्रकार है। लगता है जैसे दिल में दबी कोई बात है, शायद ज़िंदगी की आखिरी रात है। ख्वाब में आकर आज मिलना ज़रूर, कहनी है वो बात जो आज आखिरी है। और आखिरी इल्तिजा है, तुम आना एक बार ज़रूर मिलने, एक आखिरी हसीन मुलाकात होगी। बहुत दिल से लिखी है ये कविता की चार लाइनें, समझिएगा। तुम आना एक बार ज़रूर मिलने, एक आखिरी हसीन मुलाकात होगी। मेरे जिस्म में बेशक जान ना हो, मेरे जिस्म में बेशक जान ना हो, पर मेरी जान तेरे जिस्म के पास होगी। पर मेरी जान यानी कि मासूका मेरे जिस्म के पास होगी। और फ्रेंड्स, यही है, आप सबका प्यार मिलता है, आप सबका प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है, कुछ नया करने को मन करता है, दिल करता है। और यूं ही अपना प्यार देते रहिए हमारे चैनल मनीष कार्की को, ताकि मैं आपके लिए और प्यारी कविताएं और रचनाएं लिखता रहूं। शुक्रिया, और हर पल दिल से आप सबके लिए दुआएं। थैंक यू, थैंक यू तहे दिल से।